नमस्ते भारत, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की या तो एक डोज ले चुके होंगे या फिर दोनों डोज ले चुके होंगे, लेकिन देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की डिलीवरी शुरू होने वाले दिन से ही एक अच्छी खबर आ रही है। स्पुतनिक लाइट भारत में इस्तेमाल करने की मंजूरी पाने वाली पहली सिंगल डोज वैक्सीन हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक जो डोज हमारे यहाँ दी जा रही थी उसके दो शॉट सबको दिए जा रहे थे और बार बार गाइडलाइन भी चेंज हो रही थी कि पहली डोज से दूसरी डोज में कितनी कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए। तो ये सिंगल डोज होगी और अगले महीने सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच इस पे भी बात होगी। अगले महीने सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि वैक्सीन के इस्तेमाल को किस तरीके से शुरू किया जाए। एक बात और है इससे जुड़ी हुई कि वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद 10 दिन में ही 40 गुना ज़्यादा तक एंटीबॉडी जो है डेवलप हो जाती है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में शुक्रवार को ही स्पुतनिक वी की डिलीवरी शुरू की गई है। इसके एक डोज की जो कीमत है वो 995.40 रुपये तय की गई है। रूस ने कुछ दिन पहले ही कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका भी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है और स्पुतनिक लाइट को मास्को के गमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। स्पुतनिक वी की तरह ही इसे भी रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDFI ने फाइनेंस किया है। RDFI के CEO किरिल दिमित्रेव के मुताबिक दुनिया भर में इसकी कीमत $10 करीब 730 रुपये से कम होगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में 7000 लोगों को शामिल किया गया और ट्रायल रूस, UAE और घाना में हुए। 28 दिनों के बाद इसका डेटा एनालाइज किया गया और नतीजों में ये पाया गया कि ये वैक्सीन वायरस के सभी जितने भी नए स्ट्रेन हैं उन पे काफ़ी असरदार है। इसका डेटा बता रहा है कि कई दूसरी डबल डोज वैक्सीन से ये बहुत ज़्यादा असरदार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड ली हुई है वो इस बात से अपने आप को कम ना आके, क्योंकि उन वैक्सीन के भी उतने ही फायदे हैं। तो मैं बताती हूँ कि स्पुतनिक लाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसकी ओवरऑल एफिकेसी 79.4% है। वैक्सीन लगाने वाले 100% लोगों में 10 दिन के बाद एंटीबॉडीज 40 गुना ज़्यादा बढ़ गई और वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों में कोरोना वायरस के एस प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुआ। इस वैक्सीन के सिंगल डोज होने की वजह से बड़ी आबादी वाले देशों में वैक्सीन के रेट को बढ़ाया जा सकेगा और स्पुतनिक लाइट को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इससे भी एक आसानी ये रहेगी कि इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाएगा। जिन लोगों को पहले ही कोरोना का संक्रमण हो चुका है ये वैक्सीन उन पर भी असरदार है और सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना के गंभीर असर का खतरा कम हो जाएगा। ज़्यादातर मामलों में मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन भी जल्द ही भारत में आने वाली है और ये उपलब्ध हो सकती है हमारे यहाँ। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीकी देशों में इसके इस्तेमाल को रोका गया था। अब अमेरिका ने इसके इस्तेमाल पर लगी रोक को हटा दिया है और अब तक इस्तेमाल हो रही कोरोना की ज़्यादातर वैक्सीन के 2 डोज ही लेने होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि स्पुतनिक का केवल एक सिंगल डोज जो है काफ़ी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना काल में घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या और सोच की बात बन जाती है। तो अगर एक डोज में किसी को सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हम भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं।
और मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूंगी कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए वैक्सीन्स के बारे में। जय हिंद, जय भारत।